हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान वाले 4 प्लाई वाले वूल ली है और ये 10 नंबर के निडल ली है। अगर आप इसको 3 प्लाई में बुनना चाहते हैं और तो इसके अंदर आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और जो आप 4 प्लाई वर्धमान ओसवाल गंगा में बुनना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, कैप में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 6 के मल्टीपल फंदे लेके और 3 फंदे प्लस किए हैं। पहले 6 गिनिएगा, फिर से 6 गिनिएगा और फिर लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा रहने चाहिए, तो हमारा डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप बैक साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये डिजाइन हमारा फर्स्ट रो से सीधी तरफ से बनना शुरू होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डिजाइन कैसे बनाया गया है। डिजाइन बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये फर्स्ट फंदा है, एज स्टिच है, इसको आप बनाइए या उतारिए ये आपकी मर्जी है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा एज स्टिच, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जब ये 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों में हमारा डिजाइन बनेगा। तो इस फंदे को 3 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 3, 3 बार धागा घुमाएंगे, उतारेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर ये 5वां फंदा है, इसको फिर से 3 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 2 बार 3 बार, ऐसे धागा घुमाएंगे और इसको उतार देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एज स्टिच इस फंदे को छोड़ के और ये आगे 6 फंदे हैं, इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा गैप के लिए, फिर से इन 5 फंदों में डिजाइन डाल लेंगे, 3 बार धागा घुमाएंगे, 2 और 3, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये फंदा है, इसको फिर से 3 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 3, 2 रिपीट हमारे कंप्लीट हुए। एच स्टिच को छोड़ के एक उल्टा 5 पे डिजाइन डालना, फिर एक उल्टा, फिर 5 पे डिजाइन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अगर आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको ऐसे ही सेट करते जाइएगा। लास्ट का फंदा एच स्टिच सीधा। अब आएंगे बैक साइड में, तो यहाँ पे इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, ये सीधी तरफ से सीधा था और बैक साइड से उल्टा बनेगा। धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये 3 बार धागा घुमाया हुआ है, इस फंदे को ऐसे खोल लेंगे और इसको ऐसे ही रखेंगे बगैर बुने, स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब फिर ये धागा घुमाया हुआ फंदा है, इसको उतार लेंगे, ऐसे खोलेंगे, इसको स्लिप करेंगे। अब जो ये एक फंदा यहाँ से सीधा दिखाई देगा और ये सीधी तरफ से गैप का उल्टा फंदा था, इसको यहाँ से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 3 फंदे, 3 बार धागा घुमाया फंदा था, इसको खोल लेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे। अब ये 3 बार धागा घुमाया हुआ फंदा है, इसको फिर से ऐसे खोल लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये गैप वाला फंदा बैक साइड से सीधा बनेगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब आ गए हम थर्ड रो में, तीसरी सिलाई पर सीधी तरफ, तो इस फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे, एच स्टिच है, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा है जो ये उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब ये लूप वाला जो फंदा है इसको स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये लूप वाला फंदा है, इसको फिर से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये गैप का फंदा उल्टा,
ये फंदा हमारा सीधी तरफ से उल्टा बनेगा और उल्टी तरफ से यानी बैक साइड से सीधा बनेगा। ये लूप वाला फंदा फिर उतारेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बिगनर्स भी इसको, जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इसको बना लेगा। अब धागा अपनी तरफ, ये लूप का फंदा स्लिप किया, अब ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा। तीसरी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब चौथी सिलाई को फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे जैसे हमने सेकेंड रो में किया था, उल्टा धागा पीछे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से लूप वाले को ऐसे स्लिप करेंगे, तीन फंदे उल्टे, लूप वाला फंदा फिर स्लिप करेंगे, गैप वाले फंदे को यहाँ से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये लूप वाला फंदा फिर से स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ, ये लूप वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, इस फंदे को गैप वाले को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एच स्टिच को उल्टा बनाएंगे। अब आ गए हम पांचवी सिलाई पर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब तक तो हमारे उल्टे सीधे फंदे थे, अब हमारा डिजाइन डलेगा, हमने फंदों को चेंज करना है। एच स्टिच है सीधा, धागा अपनी तरफ और फंदा एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये लूप वाला फंदा है इसको ऐसे गिरा देंगे, उतार देंगे सिलाई से, और ये तीन फंदे इस नीडल पे लेंगे। अब ये लूप वाला फंदा भी गिरा देंगे, दोनों फंदे हमने गिरा दिए। अब जो फर्स्ट लूप वाला फंदा था इसको इस लेफ्ट नीडल में डालेंगे। अब ये तीन फंदे फिर वापस इसी नीडल में डालेंगे और सेकेंड लूप वाले फंदे को फर्स्ट की जगह कर लेंगे। ऐसे फंदे चेंज हो जाएंगे, हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। ये फंदा सीधा, अब इन पांचों फंदों को हम सीधा बना देंगे। अब की बारी है, लूप वाले फंदे हमारे बुन जाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये लूप वाला फंदा है इसको गिराएंगे, तीन फंदे राइट निडल में लेंगे और इस लूप वाले सेकेंड लूप वाले फंदे को भी गिरा देंगे। दोनों फंदे गिराने के बाद इन इस फर्स्ट फंदे को हम लूप वाले को लेफ्ट नीडल में लेंगे और ये तीन फंदे फिर से इस नीडल में डाल लेंगे। सेकंड लूप वाला फंदा है जो इसको आगे की साइड ले आएंगे। फंदे हमारे चेंज हो गए, अब इन पांच फंदों को सीधा बुनेंगे। ये गैप का फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम छठी सिलाई पर, रोंग साइड में। अब यहाँ से ये फंदा एच स्टिच है उल्टा, धागा पीछे, ये गैप वाला फंदा है, ये हर बार यहाँ से सीधा बनेगा, धागा अपनी तरफ, फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और पांच, फिर धागा पीछे करेंगे, ये गैप का फंदा सीधा। अब तो ये यहाँ से अलग से नजर आएगा, सीधा धागा अपनी तरफ, पांच फंदे फिर से उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा एच गैप का सीधा, धागा अपनी तरफ, एच स्टिच फंदा उल्टा। अब आ गए हम सीधी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाई हमारी बन चुकी है, डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एक फंदा सीधा एच स्टिच, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर ये फंदा है इसको तीन बार धागा घुमाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, दो तीन, फिर से इस फंदे पर तीन बार धागा घुमाएंगे, दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से इस फंदे पर तीन बार धागा घुमाएंगे, एक दो तीन, फिर से तीन फंदे सीधे। अब फिर इस पे तीन बार धागा घुमाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, गैप का फंदा उल्टा, धागा पीछे, एच स्टिच फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट कर दिया।
जब आप इन छः छः सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाएंगे तो हमारा ऐसे बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन बन के आ जाएगा। छः छः सिलाइयों का डिजाइन है, छः छः सिलाइयों को रिपीट करिए और बहुत ही सुंदर सा रेडीमेड लुक में ये डिजाइन बना लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके नीचे यही बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो इस ये वीडियो मैं चैनल पर पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप इस डिजाइन को वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।